जनपद संभल के चंदौसी में खुर्जा गेट वाल्मीकि पार्क पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सफाई कार्यकर्ता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध कांग्रेस जनों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा प्रवक्ता ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है कि वे सफाई करने लायक ही रह गई हैं। इस प्रकार उन्होंने तमाम सफाई कर्मियों का अपमान किया है। पूरे देश में तमाम लोग सफाई कर्मी हैं, उसके विरोध में हमने सफाई करके अपने आप को सफाई कर्मियों के साथ यह एकजुटता व्यक्त की है। वहीं दीपक कुमार जिला सचिव ने कहा कि कल प्रियंका गांधी लखनऊ में वाल्मीकि मंदिर पर सफाई कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रियंका के बारे में टिप्पणी की है कि प्रियंका झाड़ू लगा रही हैं, ये छोटे लोगों का काम है। प्रियंका की मानसिकता भी छोटे लोगों की ही तरह है, तो मैं इस बात के लिए कड़ी निंदा करता हूं। और इस तरीके के शब्द एक जिम्मेदार व्यक्ति और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इस बात को नहीं कहना चाहिए। हम वाल्मीकि समाज के लोग इस बात के लिए घोर निंदा करते हैं। चंदौसी वाल्मीकि पार्क मंदिर पर सफाई अभियान चलाया या झाड़ू लगाइए, क्या कहेंगे इसमें? मुख्यमंत्री महोदय ने श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करी कि वो सफाई करने लायक रह गए हैं। इस प्रकार उन्होंने तमाम सफाई कर्मियों की अपमान किया है। पूरे देश में तमाम लोग सफाई कर्मी हैं, हमने उसके विरोध में सफाई करके अपने आप को सफाई कर्मियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। चंदौसी में वाल्मीकि मंदिर पर पार्क में यहाँ झाड़ू लगाइए, क्या मामला है पूरा? मैं DK वाल्मीकि जिला सचिव संभल, कल प्रियंका जी लखनऊ में एक वाल्मीकि मंदिर पर सफाई कर रही थी। माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियंका जी के बारे में लिखा है, टिप्पणी करी है कि प्रियंका जी जो झाड़ू लगा रही हैं ये छोटे लोगों का काम है और प्रियंका जी की मानसिकता भी इन छोटे लोगों के ही तरह है। तो मैं इस मतलब बात के लिए कड़ी निंदा करता हूँ और बर्दाश्त करता हूँ कि इस तरीके के शब्द एक जिम्मेदार व्यक्ति और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इस बात को नहीं कहना चाहिए। हम वाल्मीकि समाज के लोग इस बात की घोर निंदा करते हैं।